राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वे 2019-20 पेश किया। आर्थिक सर्वे आर्थिक हालात का आईना पेश करता है और उसी के आधार पर बजट में क्या होने जा रहा है उसकी भी झलक देखने को मिलती है। इसमें चालू वित्त वर्ष में विकास दर 5% और 2020-21 के लिए विकास दर के थोड़ा बेहतर होने यानी 6 से 6.5% रहने की उम्मीद जताई गई है। सरकार ने खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देने की बात कही है। आर्थिक सर्वे 2019-20 के मुताबिक भारत में खेती का मशीनीकरण केवल 40% है, जबकि चीन में लगभग 60% और ब्राजील में 75% है। आर्थिक सर्वे में बताया गया कि बीते 5 साल में लाइफ स्टॉक सेक्टर यानी पशुपालन 7.9% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। सर्वे में मवेशियों से होने वाली कमाई को 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में महत्वपूर्ण बताया गया है। आर्थिक सर्वे में कृषि के ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी उत्पादकों की आमदनी को 2011-12 की कीमत पर 2017-18 में 10.66% बताया गया है। सर्वे के मुताबिक 2017-18 तक बीते 6 साल में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगभग 5% के एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ी है। हालांकि सर्वे में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कीमतों की समीक्षा करने की बात कही गई है। इसका मकसद तेजी से बढ़ रहे फूड सब्सिडी बिल को घटाना है। ये 2014-15 में 1,13,000 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में 1,71,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसमें कहा गया है कि फूड सब्सिडी और कर्ज माफी फ्री मार्केट को प्रभावित करते हैं और क्रेडिट कल्चर खराब करते हैं। इससे अंततः किसानों को ही नुकसान उठाना पड़ता है। इकोनॉमिक सर्वे में एमएसपी की व्यवस्था और फसल बीमा योजना को लागू करने में सुधार करने की भी जरूरत बताई गई है। सरकार ने फसल बीमा कवरेज को कुल फसली क्षेत्र के 23% के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया है। सरकार ने का मानना है कि प्याज के मामले में सरकार कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में कहीं ना कहीं नाकाम रही है। मोदी सरकार ने बीते साल लोकसभा चुनाव से पहले छोटे किसानों की मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लेकर आई थी। इसके तहत किसानों को सालाना 3 किश्तों में 6,000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन इसके लाभार्थियों की संख्या में लगातार आ रही गिरावट ने पूरी की पूरी योजना को सवालों के घेरे में ला दिया है। क्यों घटा सम्मान निधि योजना का दायरा? अब तक केवल 8,80,00,000 किसानों की हुई पहचान, 8,35,00,000 किसानों को मिली थी पहली किस्त, दूसरी किस्त 7,51,00,000 किसानों को, तीसरी किस्त में संख्या घटकर 6,12,00,000 हुई, चौथी किस्त महज 3,01,38,000 किसानों को। बीते साल लोकसभा चुनाव से एन पहले लाई गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सिमटते दायरे ने इससे छोटे किसानों को मदद मिलने के दावे को कटघरे में ला दिया है। 2019 के चुनाव में गेम चेंजर बताई जा रही इस योजना में लाभार्थियों की लगातार छोटी होती सूची बता रही है कि बड़ी संख्या में किसान इस योजना से बाहर हो रहे हैं। ये योजना पश्चिम बंगाल में अभी तक लागू नहीं हो पाई है, वहीं जिन राज्यों में लागू हुई है वहां भी किसानों की संख्या लगातार घट रही है। बिहार में 54,58,000 किसानों में से 52,19,000 किसानों को पहली किस्त मिली थी, लेकिन तीसरी किस्त केवल 31,41,000 किसानों को ही मिली। उत्तर प्रदेश में भी 2,01,00,000 किसानों की पहचान की गई, लेकिन पहली किस्त 1,85,00,000 जबकि तीसरी किस्त 1,49,00,000 किसानों को ही मिल पाई। लाभार्थियों की संख्या घटने के पीछे आधार वेरिफिकेशन में देरी या आधार और बैंक खाते में नाम फोन नंबर जैसी सूचनाओं का मिलान ना हो पाना प्रमुख वजह रहा है। इससे अकेले यूपी में 1,40,00,000 जबकि पूरे देश में 5,80,00,000 किसानों को चौथी किस्त न मिल पाने का अनुमान है। जब बात महिला किसानों की हो तो ये आंकड़े और भी कम हो जाते हैं। महिला किसान मतलब एक तो उनकी ज़मीनी अधिकार है ही नहीं, लैंड ओनरशिप नहीं है, इसकी वजह से वो तो छूट ही जाते हैं पूरी तरह से, क्योंकि पीएम किसान सम्मान अभी भी लैंड ओनरशिप से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने ऐसे अनेक केसेस देखे हैं जहाँ पे लैंड ओनरशिप है लेकिन फिर भी उन महिलाओं को उसका अधिकार नहीं मिला है, किसान सम्मान का कैश ट्रांसफ़र नहीं हुआ है।
इसका नतीजा ये रहा कि इस योजना के लिए 2019-20 में आवंटित 75,000 करोड़ बजट में से केवल 44,000 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए, यानी बजट का 40% हिस्सा खर्च नहीं किया गया। और अब कृषि मंत्रालय 2020-21 के बजट में केवल 60,000 करोड़ रुपए मांगने की योजना बना रहा है, यानी इस बार खर्च का लक्ष्य पहले से ही कम कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार देश के सभी 14 करोड़ 50 लाख किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के दावे से पीछे हट रही है, वो भी तब जब आर्थिक मंदी से निपटने के लिए गांव में सरकारी खर्च बढ़ाने की जरूरत बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और आर्थिक सर्वे और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इस योजना से जुड़े जो तमाम पहलू हैं उन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कार्यकारी संपादक सत्येंद्र रंजन जी और हमारे साथ फुल लाइन पर मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आर्थिक सर्वे में ये बात रखी गई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये बताइए कि लंबे समय से आप इसकी बात कर रहे हैं कि हम ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर की बात क्यों नहीं करते? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है ये कि अगर आपका फोकस, जैसा कि वर्ल्ड बैंक ने आदेश दिया तो हमने उस पर ध्यान देना शुरू किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होनी चाहिए, हमारी रैंकिंग उसमें बढ़ती जा रही है। जब निर्मला सीतारमन जी कॉमर्स मिनिस्टर थी तब मुझे याद है इनकी अपनी एक स्टेटमेंट थी कि हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत 7,000 ऐसे स्टेप्स लिए हैं छोटे बड़े मिलाकर, जो कि जो भी दिखते हैं कि बिजनेस वालों को आती हैं उनमें आसानी होगी ताकि बिजनेस का परफॉर्मेंस बढ़ सके। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब खेती में, जहां 50% पॉपुलेशन जुड़ी हुई है, वहां पर हम ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग क्यों नहीं करते, ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर क्यों नहीं करते? क्योंकि हर स्टेप पर किसान को, चाहे प्रोडक्शन हो या चाहे मार्केटिंग हो, उसको दिक्कतें आती हैं। अगर वो मंडी में अपना अनाज लेके जाता है तो जो कांटा है वही काम नहीं करता है, शुरुआत ही वहीं से हो जाती है उसकी। फिर आगे उसको लेबर नहीं मिलती है, लेबर मिलती है तो पानी का प्रॉब्लम है, जो उसमें मॉइस्चर की प्रॉब्लम है, ये सब चीजें हम देखते आ रहे हैं। और अंडरवेइंग, ओवरवेइंग, ये सब बातें हम सुनते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर स्टेप पर किसान को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हम एक ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग का सिस्टम लेके आते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो खेती के हैं वो गवर्नेंस के, लैक ऑफ गवर्नेंस जिसको कहते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। अगर वो ठीक हो जाते हैं, जैसा कि कोई पीएमएफबीवाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे उसने अपनी पैसे दिए हैं, अपने प्रीमियम दिया है, लेकिन उसको कंपनसेशन नहीं मिलती है। ये कदम जो है सारे, ये बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं जिसको एक स्मूदन करने की जरूरत है। अगर हम वाकई इकोनॉमी की रफ्तार पकड़ना चाहते हैं, जिस गति से हम चाहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, तो खेती का उसमें बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर हम ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग लेके आते हैं, वर्ल्ड बैंक की इंतजार ना करें, हम क्यों नहीं खुद एक शुरुआत करें ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के लिए। जी, हमारे साथ सत्येंद्र रंजन जी स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनसे भी उनकी राय लेते हैं। आर्थिक सर्वे पेश हुआ सर, उसमें बात हुई है, तमाम बातें हुई हैं कि किस तरह से एमएसपी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, किस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा को प्रभावी बनाया जाए। अभी देवेंद्र शर्मा जी ने भी फसल बीमा को प्रभावी बनाने के लिए बात कही, तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है जो आर्थिक सर्वे में निकल कर आया है, और खेती किसानी के लिहाज से किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है? देखिए, इस बार का जो आर्थिक सर्वे आया है, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया है, थालीनॉमिक्स। उसमें इसका सीधा संबंध खेती किसानी से जुड़ता है। उसमें ये कहा गया है कि जो एक वेजिटेरियन थाली है जी, उसकी कीमत 2015-16 से 2019-20 के बीच में घट गई है, एक आंकड़ा उसमें बताया गया है। और इसी तरह नॉन वेजिटेरियन थाली भी पहले से सस्ती हो गई है, और इसके आधार पर अनुमान लगाया गया है कि इससे हर कंज्यूमर को उसके पॉकेट में पैसा बचा है। जबकि अगर इस हम लोग सिर्फ इसी चीज़ का विश्लेषण करें तो ये जब मोदी सरकार आई और इसने इन्फ्लेशन टारगेटिंग की नीति अपनाई, जिसके तहत जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो लोगों को सस्ती मिले, जब यहाँ हम लोग कहते हैं तो उसमें जो नौकरी पेशा और मिडिल क्लास के लोग हैं वो सरकार के ध्यान में ज़्यादा होते हैं, ताकि वो वोकल तबका होता है, महंगाई पे वो शोर मचाता है, तो वो शोर ना मचाए। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि गाँवों में जो पैसा जाता था किसानों को, जो एमएसपी के ऊपर कई राज्य सरकारें बोनस देती थीं, या जो एक दर थी जिस रफ्तार से
जो खाद्य पदार्थों की चीज की कीमत बढ़ रही थी उसके पहले, या जो उसको अलग अलग मनरेगा या दूसरी योजनाओं के तहत गांव में पैसा जा रहा था उसको एक तरह से उस पर टैप लगा दिया गया, और नतीजा ये हुआ कि गांव की जो आमदनी थी वो घट गई। उसके बाद नोटबंदी और GST का जो असर हुआ अर्थव्यवस्था पे हम लोग सभी जानते हैं, कंजम्पशन उससे कोलैप्स कर गया, जो कि अभी NSO की रिपोर्ट में भी बताया गया था। आज एक ये रिपोर्ट आई है, प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव और बालकृष्ण पाढ़ी ने तैयार किया है इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, जिसका ये बताया गया है कि जो सैलरी ग्रोथ है, सैलरी इनकम जो है उसका ग्रोथ 7 साल के निचले स्तर पे पहुंच गया है, और ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी है, ये सिर्फ सरकारी क्षेत्र के लिए नहीं है। तो ये मूल समस्या है जिसकी वजह से देश में आर्थिक संकट आया है, इसकी शुरुआत गांवों से हुई। ये जो आज सर्वे आया है इससे उस स्थिति को कैसे पलटा जाएगा उसका कोई नजरिया अभी तक तो मुझे इसमें नजर नहीं आया। मैं देवेंद्र शर्मा जी के पास जाना चाहूंगी। देवेंद्र शर्मा जी, आपने इसकी बार बार बात की है कि किसानों के हाथ में सीधे आय देने की बात कही, 18,000 रुपए प्रति महीना उनको मिले। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक अंततः डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक स्कीम आई थी जो कि भले ही 6,000 थी, मगर उसको सभी संगठन नेता सब बात कर रहे थे कि उसे बढ़ाया जाए। मगर यहां आप देख रहे हैं कि कृषि मंत्रालय की तरफ से बात आई है कि 20% जो एलोकेशन है 75,000 करोड़ उसको घटाकर 60,000 करोड़ कर दिया जाए, उसमें वो मैनेज कर लेंगे। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें भी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो जाननी बहुत जरूरी है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर हम ये मानते हैं कि जिसके पास जमीन है वो किसान है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओनर्स भी हैं, उसके फ्यूडल जिसको हम सिस्टम कहते हैं ऑपरेट करता है कि वो खुद तो कहीं और बैठा हुआ है और खेती कोई और कर रहा है। ये सब जो लोग हैं ये उस स्कीम से बाहर होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका जो किसी और जगह नौकरी करते हैं या जो ऐसी चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी प्रोसेस है। लेकिन जो ये 60,000 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हम ये मानते हैं कि 40% किसान जो देश में हैं वो काश्तकार हैं, वो टेनेंट फार्मर्स हैं। हमें टेनेंट फार्मर्स को भी जोड़ना चाहिए। मेरा ये मानना है कि 75,000 करोड़ को हम डाइल्यूट ना करें, कम ना करें, लेकिन हम टेनेंट फार्मर्स को अब उसमें जोड़ें। वो जो 25,000 करोड़ रुपए बचता है वो हम टेनेंट फार्मर्स को उसमें इंक्लूड करें। और अगले बजट में जो कल आने वाला है उसमें, जैसा कि अभी आपके हमारे साथी ने कहा कि भाई रूरल इनकम गिरती जा रही है, किसानों की इनकम गिरती जा रही है, और ये थाली इकोनॉमिक्स की जो व्याख्यान किया गया है, मुझे लगता है इससे ज्यादा मजाक नहीं हो सकता देश का। क्योंकि जो देश 117 ग्लोबल रैंकिंग में 102 नंबर पर आता है, वो अगर ये बात करता है कि थाली सस्ती हो गई है, तो किसकी थाली सस्ती हो गई है और हम क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। एक और बात देवेंद्र जी, फूड सब्सिडी 2014-15 में 1,13,00,000 से 2017-18 में 1,71,00,000 करोड़ तक पहुंच गई है, और इसको आप क्या कहते हैं कि इसमें बोला जा रहा है कि जो फूड सब्सिडी है और जो डेट वेवर स्कीम है, ये दोनों ही मार्केट में डिस्टॉर्शन लाते हैं। बड़ा आपने इंटरेस्टिंग बात कही है, क्योंकि 2009 से जब ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ था तब से हम एक 1.8 लाख करोड़ की हर साल एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज कॉर्पोरेट को देते आए हैं। वो 2010 में कैसे से बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी वो जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज है वो कॉर्पोरेट को दिया जा रहा है। यानी पिछले 10 साल में हम 18,00,000 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज दे चुके हैं कॉर्पोरेट को। कभी किसी इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि साहब ये अनसस्टेनेबल है? लेकिन फूड सब्सिडी जो कि गरीबों के पास जाता है फूड, तो उसके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि सारा फोकस है देश का कि भाई इसको खत्म किया जाए, ये फिस्कल डेफिसिट बढ़ाता है। लेकिन वो जो 18,00,000 करोड़ रुपए हमने 10 साल में दिया है कॉर्पोरेट्स को बगैर किसी कारण के, क्या वो फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ाता? क्या कभी किसी ने बात की है? तो आज जैसा कि उसने जेफरी सैक्स जो दुनिया के इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने जाने माने इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि जिन लोगों के पास ये पैसा दिया गया, जैसे भी कॉर्पोरेट टैक्स एग्जेम्पशन दिए गए हैं, आप जानते हैं 1.45 लाख करोड़ के 1.5 लाख करोड़ के तकरीबन दिए गए हैं सितंबर में, ये जब तक ये क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं रही है, तो ये बेसिकली ये उनकी जेब में पैसा गया है, वो उनका ये कहना है। और मुझे अच्छा लगा कि किसी देश दुनिया के इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि जो हम कॉर्पोरेट को ये दे रहे हैं सारी सहूलतें, बेसिकली वो उनके जेब में जाती हैं। तो वहां पर किसी ने नहीं कहा आज तक कि साहब ये अनसस्टेनेबल है। लेकिन गरीब आदमी के पास पैसा जाता है तो हर एक
तकलीफ होती है इस देश में। मुझे ये समझ नहीं आता कि इकोनॉमिस्ट जो है ये जब ग्रीक के पास जाता तभी इनको क्यों तकलीफ होती है। इस पर मैं सत्येन जी से कमेंट लेना चाहूंगी। सत्येन जी, इन इक्वालिटी की बातें हो रही है, ऑक्सफैम की भी रिपोर्ट हाल में जो आई उसमें भी ये बात हुई कि किस तरह से इन इक्वालिटी है, जिसमें सबसे ज्यादा असर जो ग्रामीण भारत में लोग रह रहे हैं या फिर महिलाएं रह रही हैं, जिस तरह से महिलाओं को उनको अगर उनको उस तरह का हक मिले, उनकी प्रोडक्टिविटी में भी FAO ने भी कहा है कि अगर प्रोडक्टिविटी उनकी जो है बढ़ेगी, अगर उनको समानता का अधिकार मिलता है, आपको क्या लगता है कि हम इन ये कौन सी पॉलिसीज हैं जिसकी तरफ देखने की जरूरत है? इन इक्वालिटी के मामले में हम बजट में क्या देख सकते हैं? आपको लगता है कुछ आने की उम्मीद है? देखिए, ये तो बजट में कोई उम्मीद नहीं है। इस आर्थिक सर्वे में भी बहुत साफ है कि आप जिस इनइक्वालिटी की बात कह रही हैं वो दुनिया भर में आज चिंता का विषय है। थॉमस पिकेटी से लेकर तमाम अर्थशास्त्री इस पर किताबें लिख चुके हैं, अमेरिका से लेकर यूरोप के चुनावों में आज एक ये मुद्दा होता है, लेकिन हमारे यहाँ अभी ये उस तरह से मुद्दा बना नहीं है। और ये जो आज की सरकार जो आज है, जो वेल्थ क्रिएशन, आज खुद जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने कहा कि वेल्थ क्रिएशन इसका थीम है, और ये वेल्थ क्रिएशन के लिए उन्होंने सुझाव दिया है कि जो कारोबारी हैं उनको उनके ऊपर जो भी बंधन है उससे उनको मुक्त कर दिया जाए। तो ये जो लेजेज फेयर इकोनॉमी होती है, मुक्त अर्थव्यवस्था जिसमें कोई दखल ना हो, ये उस अर्थव्यवस्था की वकालत की गई है। और ये जो फिलॉसफी अगर आर्थिक सर्वे में ये आई है तो कल बजट में कोई इससे उलट दिशा में कोई इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के कदम उठाए जाएंगे इसकी कोई उम्मीद नहीं है। और जैसा कि अभी देवेंद्र शर्मा जी उचित ही ध्यान दिला रहे थे कि अभी तो 1,45,000 करोड़ रुपये आपने उन्हीं लोगों को दे दिए जिनके पास पहले से ही पैसा है, वो उनकी जेब में गया, वो उसको शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, लेकिन ना तो कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना कोई रोजगार पैदा हो रहा है। अगर वो होता तो उससे इनइक्वालिटी को एड्रेस किया जाता। तो सरकार दूसरी दिशा में जा रही है, इनइक्वालिटी को खत्म करने की उल्टी दिशा में जा रही है। देवेंद्र शर्मा जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि कल बजट पेश होने वाला है, किस तरह की आपकी मांगे हैं खेती किसानी अगर ग्रामीण भारत की बात करें तो? देखिए, मेरा तो बहुत स्पष्ट है कहना, क्योंकि रूरल स्पेंडिंग जो है सब मानते हैं कि वो गिरी है और उसी के करके उसी ने पुल डाउन किया है GDP को। अगर रूरल स्पेंडिंग गिरी है तो वो रूरल इनकम गिरी है, इसलिए रूरल स्पेंडिंग भी गिरी है। और उसको बढ़ाने के लिए एक ही रास्ता है कि हम सीधा सीधा पैसा गरीबों के हाथ में, या जबकि गरीबों उस रूरल पॉपुलेशन का मेजोरिटी पॉपुलेशन उसमें एग्रीकल्चर की है, तो उनके हाथ में हम ये कैसे पैसा दे सकें। तो दो चीजें करनी बहुत जरूरी है। एक तो है कि जो PM किसान स्कीम है उसमें हम क्यों ना 1.5 लाख करोड़ रुपए का एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज लेके आए, जो एग्जिस्टिंग 73,000 करोड़ रुपए से 1.5 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल दिया जाए हर साल, जिसके तहत हर किसान को 18,000 रुपए साल भर का एक डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिले। 18,000 रुपए हुआ 1,500 रुपए पर मंथ, 1,500 रुपए को ज्यादा नहीं होता किसी भी उसमें माहौल में, मुझे लगता है कि वो एक करना चाहिए। सेकेंडली, मनरेगा की जो आउटले है वो 60,000 करोड़ के आसपास है, उसको बढ़ा के 70,000 करोड़ करना चाहिए, विद दिस अश्योरेंस कि एक तो उनको टाइम पे पैसा मिलेगा, यानी 15 दिन में पैसा मिलेगा, और दूसरा ये है कि जो उनका नॉर्मल जो वर्किंग मैंडेट क्रिएट होते हैं वो 47 मैंडेट होते हैं 100 की बजाय, तो वो पूरे 100 का इम्प्लीमेंटेशन हो। ये अगर दो चीजें हम करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जो रूरल स्पेंडिंग का जो बढ़ाने की बात हो रही है वो उसके रास्ते से हम उसको बढ़ा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येन जी।